इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फैनपे में अगर आपको कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, ट्रांजैक्शन ब्लॉक्ड बाय अथॉरिटीज़, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं एंड किसी को भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक पेमेंट करने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पर मेरा जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर ब्लॉक हो चुका है, ट्रांजैक्शन ब्लॉक्ड बाय अथॉरिटीज़। तो किस तरीके से इस एरर को हटाएंगे एंड किसी को भी पेमेंट सेंड करेंगे आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है तो आपको अंडरस्टूड पे यहाँ पे नीचे क्लिक कर देना है। अंडरस्टूड पे क्लिक करने के बाद आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद अगर आप दोबारा से पेमेंट कर रहे हैं तो आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा, एंड दोबारा करने के बाद भी अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो आपको कम से कम 5-10 मिनट का वेट करना है एंड उसके बाद दोबारा से आपको ट्रांजेक्शन करना है उसी पर्सन को जिसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी, फिर आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। एंड उसके बाद भी अगर ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती है तो आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करना है। मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करने के बाद थोड़ा नीचे आना है एंड आपको ऐप्स पे क्लिक कर देना है। ऐप्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑल ऐप्स या फिर ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपको ऑल ऐप्स पे क्लिक कर देना है। ऑल ऐप्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है फैमपे। तो जैसे आप फैमपे को सर्च करेंगे फैमपे का जो एप्लीकेशन है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, एंड यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है एंड यहाँ पे आपको स्टोरेज एंड यूजेस का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड क्लियर ऑल डाटा यहाँ से इसका क्लियर कर देना है। इतना करने के बाद आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे फैमपे को सर्च करना है एक बार। यहाँ से आपको क्या करना है, फैमपे को जो है वो अपडेट जरूर कर लेना है। तो फैमपे को यहाँ से अपडेट कर लेंगे। फैमपे को अपडेट करने के बाद बैक चले जाना है, यहाँ पे फैमपे को अपडेट होने देंगे। जैसे ही फैमपे अपडेट हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 5-10 मिनट का वेट करना है। वेट करने के बाद आपको दोबारा से ट्रांजेक्शन ट्राई करना है एंड आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, फिर भी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती तो आपको मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करना है। मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करने के बाद यहाँ से आपको एक बार अपना जो स्क्रीन लॉक है वो चेंज कर देना है। तो काफ़ी बार क्या होता है कि आप काफ़ी टाइम से एक ही स्क्रीन लॉक को यूज़ करते रहते हैं, आपको वही प्रॉब्लम बार बार देखने के लिए मिलती रहती है, तो आपको अपना जो स्क्रीन लॉक है वो एक बार चेंज कर लेना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको बैक से ले जाना है एंड यहाँ पे आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉक स्क्रीन पासवर्ड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है एंड अपना जो पासवर्ड है वो यहाँ से एंटर कर देना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, पासवर्ड को टर्न ऑफ कर देना है या फिर आपको एक नया स्क्रीन लॉक दोबारा से सेट करना है। तो यहाँ पर टर्न ऑफ पासवर्ड आपको एक बार कर देना है एंड दोबारा से अपना जो न्यू स्क्रीन लॉक है वो सेट कर लेना है। अब फैमपे में क्या होता है कि जब भी आप ट्रांजेक्शन किसी को भी करते हैं तो वहाँ पर आपका जो स्क्रीन लॉक है वो मांगता है, तो आपको एक बार अपना जो स्क्रीन लॉक है वो चेंज कर देना है। एंड आपको मैं अब शुरुआत से एक चीज़ बता देता हूँ आपको क्या क्या करना है। आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन को अपडेट करना है एंड एप्लीकेशन का क्लियर डाटा क्लियर कैच कर देना है। उसके बाद आपको अपना स्क्रीन लॉक चेंज करना है एंड उसके बाद आपको कम से कम 5-10 मिनट का वेट करना है। एंड उसके बाद आपको फैमपे को ओपन करना है। फैमपे को ओपन करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जिस किसी को भी पेमेंट आप सेंड कर रहे थे दोबारा से आपको पेमेंट सेंड करनी है एंड आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली सेंड हो जाएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।